हजारीबाग के चौपारण से बेहद दुखद खबर आ रही है। हजारीबाग चौपारण के ओबरा गांव की 6 लड़कियां करम पूजा की डाली बहाने बराकर नदी गई थी। पिछले कुछ दिनों से काफी तेज बारिश हो रही है। नदी में पानी का बहाव काफी तेज था। बताया गया कि 6 लड़कियां पानी के इस तेज बहाव में बह गईं, नदी में डूबने लगी। वहां पर कुछ मछुआरों ने देखा, 3 लड़कियों को बचा लिया। आप देख सकते हैं वहां की प्रशासन वहां पहुंच चुकी है, एसडीओपीओ की गाड़ी लगी है। विधायक जो बरही के विधायक हैं उमा शंकर अकेला, वो भी वहां पर पहुंच गए। बेहद दुखद ये घटना घटी है। हजारीबाग के चौपारण ओबरा गांव की रहने वाली जो लड़कियां हैं, 3 लड़कियां डूब गई इसमें, और जो खबरें आ रही हैं एक बच्ची की लाश मिली है, डेड बॉडी मिली है। विधायक उमा शंकर अकेला अभी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। करम पूजा की डाली बहाने गई 6 लड़कियां, जिसमें से 3 लड़कियों को मछुआरे ने देखा और बचा लिया, लेकिन 3 लड़कियां इसी बराकर नदी में डूब गईं। काफी संख्या में आसपास के लोग ग्रामीण उस बराकर नदी पर पहुंच गए, जहां पर बच्चियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। काफी संख्या में आप देख सकते हैं कि ग्रामीण इकट्ठा हो चुके हैं। बेहद दुखद घटना, बेहद क्या घटना, दिल दुखाने वाली घटना हुई है। पास में ओबरा गांव है, वहां की बच्ची आज करम जो है डाल बहाने के लिए नदी में आई थी। अब नदी में आई थी, नदी में स्नान करने जा रही थी, तो 6 बच्ची। परिजन घर की तस्वीर है, जहां पर रोते बिलखते लोग। बहुत दुखद दिन है, जहां ये खबर आ रही है कि 3 बच्चियां बराकर नदी में करम डाली बहाने जो गई थी स्नान करने के क्रम में नदी में डूब गई। बराकर नदी में डूबी बच्चियों को ढूंढने के लिए गोताखोर की टीम को बुलाया गया है। काफी संख्या में ग्रामीण, आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बेहद दुखद घटना, दिल को दुखाने वाली घटना, जिसमें 3 बच्चियां बराकर नदी के तेज बहाव में डूब गईं। एक बच्ची की डेड बॉडी मिली है, गोताखोर को बुलाया गया है। बरही विधायक उमा शंकर अकेला भी पहुंचे हैं। दुखद घटना के बारे में वो क्या बता रहे हैं, सुनिए। ओबरा के लड़कियों ने भी करम पूजा का त्यौहार मनाया। अपने भाई के आग को बहराने के लिए उन्होंने पूजा किया, और रात भर उन लोगों ने पूजा किया, और सुबह उस डाली को, जब करम का पेड़ का डाली जो होता है, उसको नदी में प्रवाहित करने के लिए बराकर नदी में कुछ लड़कियां लोग आए। उसी के डाली तो उन लोगों ने एक जगह बहा दिया, लेकिन कुछ लड़कियां जो थी से स्नान करने की नीयत से वो बराकर नदी में तेज धारा आ रहा था, उसमें स्नान करने की कोशिशें की, जिसके झारखंड में करम पूजा बड़े हर्षोल्लास के साथ और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। प्रकृति की पूजा होती है। बहनें अपने भाई के लिए लंबी उम्र के लिए पूजा करती हैं, उपवास रखती हैं। ऐसे में एक दुखद घटना निकल कर आ गई, जिसमें 3 बच्चियां बराकर नदी में डूब गईं। एक बच्ची की बॉडी मिली है, 2 की तलाश के लिए गोताखोर आए हैं।